मर्ची लगी ਬੁਲੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੜੋ ਇਸ ਕਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੇ ਸੇ ਸਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਤੁਮ ਕੀ ਲੈ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਖਰਚਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਇਸੋਂ ਬੰਦੇ ਦੋ ਤਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਅਸੋਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਕੀਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਣਾਉ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੱਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹ 5 10 12 ਖਲਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦਾ ਟੂਰੀ ਜਸ ਨੇ ਅਸ਼ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ ਅਛਣ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉ ਜਿਹੜੇ 10 12 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਕਟਿੰਗ ਉਸੇ ਬਟੀਰੀ ਤੋਈ ਸਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸੇ ਆਪੂ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਬੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੰਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋ ਬਲੇਡ ਨਵਾਂ ਚੜਾ ਮਾਂ ਕੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਮਾ ਚੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह अजब दे मास्टर रफीक साहब को इन्होंने 15 दिन पहले मुझे ये कहा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं ये हमारे छतराल चकबनल्ला और नड़ोल हमारा कट्ठा इलाका है नड़ोल का रहने वाला सदीक है बड़ा खूबसूरत सुनहार और मास्टर साहब का ये जो है वो क्लास फेलो हुआ करता था जब छतराल स्कूल में पढ़ता था बड़ा होनहार और बड़ा लायक आदमी था तो इसकी जब हालत देखी मास्टर साहब ने मुझे 15 दिन पहले कहा कि हमने इसकी जो है वो सफाई करनी है और इसे हमें जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना है तो बीच में हालात जो है मौसम ख़राब हुआ ठंड की वजह से हमने जो है नहीं छेड़ा तो आज मास्टर साहब ने मुझे अचानक फ़ोन किया मैं गया तो बाकी साथी भी वहाँ मौजूद थे एम्बुलेंस इन्होंने मंगवाई हमने यहाँ ला के सफाई सुथराई की तो इससे मैं जो है वो आम इंसानों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी मजहब जो है वो अच्छाई का दर्द देता है हिंदुइज्म में पुण्य है और हमारे इस्लाम में जो है वो नेकी करना है तो यहाँ से हम नेकी कमा सकते हैं हम अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए लाखों करोड़ों रुपये अपनी नुमाइश के लिए खर्च करते हैं हम सबको जो है वो छोटे छोटे कामों के लिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा ऐ बंदे मेरे बंदे मैं बीमार था तूने मेरी ये आदत नहीं की मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया बंदा कहेगा या अल्लाह आप इन सारी चीज़ों से मुबर्रा हो तो अल्लाह ताला कहेगा तेरे पड़ोस में फलां बीमार था तूने उसकी इयादत की होती गोया मेरी इयादत की होती फलां भूखे को खाना खिलाया होता गोया मुझे खिलाया होता फलां जो है वो नंगे को कपड़े पहनाए होते गोया कि मुझे कपड़े पहनाए होते तो इस तरह हमें जो है वो सब लोगों को ये कार्य खैर के काम करने चाहिए हम जो है वो ज़ाती नुमाइश के लिए बड़े बड़े अखराज करते हैं यूँ हम बड़े बड़े दावे भी करते हैं जन्नत में जाने की अरे कहता है मेरे पास सर्टिफिकेट है दूसरे जो है वो बैरियर खड़ा कर देते हैं जन्नत में नहीं जाएगा हमें सबको जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला के जो है फरमान उन पर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए और मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे एक केस नहीं है ऐसे 10 केस है हमारे मेंटर में इन सबको इकट्ठा करके तो जो है वो सफाई सुथराई करके हम फल्ला जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ताकि वहाँ खाने पीने के लिए कम अज़ कम जो ज़िंदगी के दिन है वहाँ आराम से गुजार सके।